स्वागत बागन के अपन यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। लोगन बहुत ही अच्छा होकेम और मन लगा के पढ़ाई करतेम डेट ट्वेल्व में टू एक्स प्लस थ्री वाईकल टू एगारह तथा टू एक्स माइनस फोर वाईकल टू माइनस चौबीस को हल करें। ये दो इक्वेशन दे बा रखी के समीकरण होवे टू एक्स प्लस थ्री वाईजल टू एगारह और टू एक्स माइनस फोर वाई टू माइनस चौबीस के हल करी और इसमें एम के वह मान ज्ञात करें मतलब M के वह मान ज्ञात करे के बटे जरा ला एगो एक इक्वेशन दे दू इक्वल टू एम एक्स प्लस तीन यानी एम का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री हो अब सबसे पहले वो हम क्या करें इक्वेशन जो बाब तो पहलका इक्वेशन बा यहाँ टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू ग्यारह समीकरण एक चाहे समीण एक मान लिया एक दूसर का जो दिला टू एक्स माइनस फोर वाई इजकल टू माइनस चौबीस एक समीकरण दू मान लिया ध्यान अब ऐसे पहलका डे इलेवेन में हमने पढ़ले रही सब प्रतिस्थापन विधि वाला विधि से एक सोल्व कर सकता लेकिन कौनो -कौनो कोशन को इक्वेशन जोन होला क्वेश्चन में करा के विलोपन विधि से बनावल जाए तो ज्यादा आसानी होला क्या एम ए में अब प्रतिस्थापन विधि से बनावल जाए तो ज्यादा टू एक्स थ्री वाई ज्यादा गुना भागा करे के पड़ जाए आ विलोपन विधि से आसान हो जाए तो यही में हम विलोपन विधि भी सीख लिये यानी विलोपन विधि में का होला एक इक्वेशन के चाहे दू इक्वेशन जोन होला ओकरा के एगो संख्या जो होला चर संख्या ओकरा के का कल जिला संतुलित करा बैलेंसिंग करा अगर ना हो लेकिन हमें बैलेंसिंग बा संतुलित पहले ही से बा जैसे टू एक्स एहू में टू एक्स बा तो में संतुलित कैला के जरूरत नहीं है अगर वाई वाला हम कटेती वाई वाला पर देखती तब तो संतुलित करे के पड़ी यानी बराबर हो तो तभी त तो संतुलित करे के सबसे आसान तरीका का हवे के पहलका में के जो अंक रह वाई में जैसे यहाँ थ्री वाई बा हमें गुना कर दी दुसारका में दुसारका में।, दुसार में जैसे ही तीन से गुणा हो तो तीन चौका बारे हो जाए दुसारका में क्या लागल बा चार ओकरे चार वाला संख्या वाला वाईए वाला से तो चार ऊपरका में गुना हो तीन निचलका में गुणा हो तो जैसे ही चार ऊपर का में गुणा हो तो चार तीन बारह हुई तीन निचलका में गुना तीन चौका बार बारह बारे आ जाए बारह बारह वाई हो जाए संतुलित हो जाए इस तरह से काकोज संतुलित हो जाए तो में हमें कोई लाख की जरूरत नहीं है क्या पहले से क्वेश्चन में संतुलित ही दिले बटे सीधा सीधा ओकरा ला का एगो लाइन रेखा नीचे खींच दिए दोनों इक्वेशन लिख के अब ये देखे के रह कि अगर दोनों सेम चिन्ह बा तो के जोड़ल जाए सॉरी दोनों सेम चिन्ह बाटे समीकरण एक में समीकरण दू में तो ओकरा क्या कल जाए घटाओ जाए सेम चीज नहीं है एगो प्लस में बा एगो माइनस में बा तो ओकरा के जोड़ दिए तो काम बन जाए तो यहाँ सेम चिन्ह बा दोनों संतुलित में प्लस टू एक्स बा इो प्लस टू एक्स तो सेम चिन्ह रही के का घटावल काल घटाओ यहाँ हम लिख दे सीधे सीधे घटाने पर अब घटाने पर तो घटाव जाये भाई घटावे के पीछे भी रीजन तो जाय से तो तो का का इक्वेशन जो होला दूसर का समीकरण जो होला ओकर एकह हो गो चिन्ह बदल जाला जैसे कि इ प्लस बा तो का हो जाए माइनस हाई माइनस बा तर बदला में का हो जाये प्लस हाई माइनस बा तर बदला में का हो जाये प्लस मतलब की भिल घटावला पर घटावल जला तभी चिन्ह बदलेला जोड़ला पर चिन्ह ना बदलेला लेकिन घटावल कब जी जब सेम सेम चिन्ह संतुलित तो जौन रही हो कर सेम सेम माने प्लस प्लस बात तभी घटावल गई अगर माइनस माइनस रही तभी घटावल जाए तो उससे का हुई कि एगो विपरीत चिन्ह वाला हो प्लस में आ एगो माइनस में आ जाए आ सेम अलग रह, अलग रहला तो जोड़ दी तो जोड़ला पर चिन्ह ना बदलेला वही जोड़ दिला लेकिन यहाँ घटावल अब घटावल ई हो अब प्लस है की टू एक्स माइनस ना प्लस माइनस हो गई प्लस ई माइनस प्लस माइनस 2x हो गई एगारह प्लस 4y हो गई अब ध्यान दी तो प्लस टू एक्स में से माइनस टू एक्स घट जाये तो जीरो हो जाये मतलब का होई कट जाय

अब ऐ में को भी इक्वेशन में रखा जा सकता है वैल्यू विलोपन विधि एकरा जाला संतुलित करके बनावल जाए तब तो। चाहे घटा के जोड़ के बनावल जा तो। तो जो जाला तब एक के तब ऐ में को भी समीकरण एक चाहे समीकरण दू दून में से कोई समीकरण में यहाँ जो वैल्यू ओकरा के रख के बनावल जा सकता है विलोपन में का रहे प्रतिस्थापन में का रहे कि एगो में से निकलाल वैल्यू दूसरका में रखल जाये दुसारका में से निकला तब तो पहलका में रखल जाये ऐ में वो तरह के बात नहीं है स्वतंत्र बानी रो ग हो सबको में कोनो में भी वैल्यू रखा जा सकता था आराम से तो वाई इक्वल पांच आ गई तो लिखे समीकरण एक में सीधे सीधे हम समीकरण एक सामने लिख सकते नहीं हवा सीधे सीधे के अब समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण दू में भी रखा हम समीकरण दू ला लेनी माइनस वाला बाटे प्लस वाला बाई तो इसे हम पहल पहका ले लेनी तो समीकरण का बा टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू ग्यारह समीकरण एक हो गए अब वैल्यू रखा ही जरा सा इस समीकरण एक हो गए टू तो एक्स प्लस तीन गुना वाई के मान का बा, पाँच इजिकल टू ग्यारह टू एक्स प्लस तीन पचे पंद्रह इजिकल टू एगारह आ है अब यहाँ साने जा माइनस पंद्रह हो जाये अब देखिए यहां टू एक्स इजिकल टू पंद्रह में से ग्यारह घटा हो तब तो चार आ तो तो जाये लेकिन यहाँ कम में ज्यादा घटाता तब माइनस में आ जाये तो माइनस चार हो गई अब ली एक्स इक्वल टू माइनस चार बटा दू हो जाए क्या कि दू में गुना बाने जाकर भाग हो जाए तो कर सकते मर्तबे तक्स तो इक्वल टू क्या आ गई माइनस दू अब एक तरह से एक्स और वाई के वैल्यू हमारे मिल गई तब कहता वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस तीन ज्ञात करम के वैल्यू तू ज्ञात करे जब इक्वेशन ये क्वेश्चन दिल तब तब लिखल जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से तेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इजकल टू एम एक्स प्लस थ्री तो वाई तो के वैल्यू क्या वाई के वैल्यू तो आ पाँच पाँच लिख दिए एम एम तो करे कर बा? कर बा? तो 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 के बास तो के वैल्यू क्या भाई एक्स तो के वैल्यू माइनस टू बाई माइनस टू प्लस तीन अब देखिए पहले ये पाँच प्लस तीन तो प्लस तीन है ना आई तो माइनस तीन हो जाए तो पाँच प्लस तीन है ना आये तो माइनस तीन आजकल टू एम में माइनस दो से गुना हुई तो माइनस टू एम हो जाए अब देखिए पाँच में मतलब से तीन गल के पाँच तीन दो दू आजकल टू माइनस दो एम तो माइनस दो में एम गुना बांटे मतलब माइनस दू जाके भाग हो जाय तो सीधे सीधे हम लिख सकता नहीं एम इजकल टू दू बटा माइनस दू तो कटीम दू, दू। तो माइनस एक हो गई तो इसलिए एम इजिकल टू माइनस एक एंसर यह आंसर हो गई ठीक बा समझ में आयल हुई बहुत अच्छा से समझ में आये हुई अगर वह इस चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी आइकन पर प्रेस करी ताकि नेक्स्ट डे जो उन आई ओकरा के रुआ मिस ना कर पाए